बच्चों आप सबको हमने दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के आर्ट एंड क्राफ्ट पे आप लोग सब जाकर सर्च करेंगे और ढूंढेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से ट्रेडिशनल आर्ट्स प्रचलित हैं। तो आप लोगों ने कुछ देखी चीजें? क्या क्या देखा आप बताओ बेटा। अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी एवं बैग्स बनाए जाते हैं और डफीला की महिलाओं द्वारा तो बहुत सुंदर सुंदर पोएट्री भी लिखी जाती है। मुनकोसा सिरदुक मुख और अक्का जो बौद्ध धर्म की जातियां हैं उनके द्वारा बर्तन पोएट्री और पेंटिंग्स वगैरह इत्यादि बनाए जाते हैं। वहाँ के पूर्वी जिलों में केल और बैम्बू प्रोडक्ट बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट। हाँ, उनके केल प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी देखे हैं। वहाँ की औरतों के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स बनाए हैं। हाँ, वो बीड्स और कई बार लकड़ी और जो बीड्स जंगल में मिलते हैं उनसे बहुत सुंदर ज्वेलरी वो लोग बनाते हैं और पहनते हैं। और क्या देखा बेटा? हाँ, उनके शॉल्स और वो देखे हैं, उनका कारपेट वीविंग वगैरह भी बहुत सुंदर होता है और एक खास स्टाइल होता है। और तवांग वेस्ट कमिंग और अपन सिवांग जिलों में बौद्ध धर्म प्रचलित है, जहाँ पर बहुत थंगा पेंटिंग्स बनाई जाती है। हाँ, थंगा पेंटिंग्स तो उनकी बहुत अच्छी होती है और पूरी की पूरी सब उसमें टोटल जो है वो बुद्ध धर्म पर आधारित चित्र होते हैं। तो उसके बारे में या अब इन सब में से आप किस पे काम करना चाहेंगे, ये सोचा आप लोगों ने? हम लोगों ने पेंटिंग पे काम करने के लिए सोचा है और सोचा है कि बहुत मतलब उनका पेंटिंग्स आप बेसिकली बनाना चाहते हो, ठीक है। तो आपने ये देखना है उसमें कि आप कौन से तरह के थंका पेंटिंग्स, कई तरह के होते हैं, मंडल्स भी होते हैं उसमें जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं और बाकियों में बौद्ध देवी तारा हैं उनके चित्र हो सकते हैं, भगवान बुद्ध के चित्र हो सकते हैं या मंजूश्री देवी हैं उनके अलग अलग उसमें चित्र हो सकते हैं और कई बार कुछ थोड़ी भयानक वाली आकृतियों वाले भी चित्र उसमें यूज होते हैं। तो आप उसमें सबसे पहले छाटेंगे कि आपको उसमें से कौन से वो करने हैं, ठीक है। हमने उस पेंटिंग के लिए बुद्धिस्ट को चुना है और उनकी हम थंका पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। बच्चों आप लोग थंका पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मेरे पास फर पेंटिंग है, ये थंका पेंटिंग से कुछ कुछ मिलता जुलता होता है, पर उसमें भी इसी तरह कपड़े पे काम किया जाता है, कपड़े पे बेस बनाया जाता है और उसके बाद जो प्राकृतिक रंग है उसको गोंद में मिला के काम करते हैं। अंतर केवल इतना है कि वहाँ विषय बुद्ध और उनसे जुड़े विषय यूज होते हैं और ये जो राजस्थान की फर पेंटिंग है इसमें राधा कृष्ण और दैनिक जीवन के चित्र होते हैं। तो अभी आप उसको आगे विषय अपना कैसे बनाएंगे उसको चुनेंगे और उससे पहले हम आपका बेस कैसे बनाते हैं इस पे काम करेंगे, ठीक है। स्टॉप कर दीजिए। थंका पेंटिंग्स के लिए डिस्टेपर पाउडर और सरेस का पेस्ट यूज करना होता है बेस लगाने के लिए और उसके बाद कांच या पत्थर से उसे घिसा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लास्टिक इमर्शन और फेविकोल का बेस बनाएंगे और उससे इसका बेस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें यहाँ पर एक्रिलिक कलर्स का यूज करना है, फेविकोल निकालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी मिलाएंगे, मिलाने के बाद कपड़े पर इसकी हम कोडिंग करेंगे। पानी थोड़ा और डालेंगे। के लिए भगवान बुद्ध के चित्र को चुना है और फिर हमने उसको एक कागज पे ड्रॉ किया और फिर बाद में उस कागज की मदद से हम उस स्क्रेच पेपर पे कार्बन की मदद से इसको छापेंगे और फिर बाद में उसको बनाएंगे।
अभी हमारा तैयार हो गया है। हमने इसको पूरा छाप लिया है, अब हम इस पर पेंटिंग करना चालू करेंगे। अब इसको बस फाइनल फिनिश करोगे। हमने पेंटिंग बना के पूरी कर दी है, धंधा पेंटिंग है, बुद्ध का आर्ट है, और इसको बना के हमें बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी ऐसी पेंटिंग बनाना चाहेंगे।